बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में ज्यादातर मारपीट और हत्या जमीन विवाद को लेकर होता है, लेकिन आज हम बात मारपीट की नहीं कर रहे हैं, बात दरिया दिली की है। जिस जमीन के लिए लोग रिश्तों तक का कत्ल कर देते हैं, उसी जमीन की कीमत कटिहार की रहने वाली पानो देवी के लिए बच्चों की जिंदगी से बड़ी नहीं है। बच्चा सब लिए दिए, बच्चा को बढ़ेगा, आगू पढ़ेगा, लिखेगा, आगू बढ़ेगा, हमको नाम लेगा। हम सरकार के दाम दिए इतना जमीन, अपना बस्ती लिए, तो बच्चा सब बढ़ेगा, नाम होगा हमको। कटिहार से 15 किलोमीटर दूर चौहान टोला में वर्षों से स्कूल भवन नहीं है। सरकार ने 15 साल पहले गांव में प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की थी, लेकिन भवन बनाने के लिए जमीन नहीं थी। सालों तक बच्चे कभी पेड़ के नीचे तो कभी किसी दूसरे के मकान में पढ़ाई करते रहे। अब गांव की ही रहने वाली बुजुर्ग महिला से जब ये सब देखा नहीं गया तो अपनी 1.5 कट्ठा जमीन स्कूल भवन बनाने के लिए दान कर दी। बहुत बच्चा की दुआरी भटकता था, तब हम दे दिए। अब स्कूल बनाइए, सरकार बनाइए, बच्चा सब बढ़िया से रहे, पढ़े लिखे, बढ़े। कितना खुशी हुआ दान देके? बहुत खुशी है हमको। जमीन का मोह नहीं लगा। जमीन का मोह एकदम नहीं लगा सर। कटिहार के नया चौहान टोला में 5वीं वर्ग तक की बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन उसके लिए स्कूल भवन बना हुआ नहीं है। मौजूदा वक्त में फूस की झोपड़ी में बच्चे किसी तरह पढ़ाई करते हैं। गर्मी हो या बरसात, शिक्षक से लेकर बच्चों तक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्षों तक सरकार की उदासीन रवैये को देखते हुए पानो देवी ने आखिर में जमीन देने का फैसला किया। अब सरकार से मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द इस गांव में स्कूल भवन बने, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय ना हो। बुजुर्ग महिला के फैसले से बच्चों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। नीचे पढ़ते हैं, तालाब ना लगता है, शौचालय में है, ये बाथरूम में है, फिर चलते उठते हैं तो उधर उधर बैठ जाते हैं। दिक्कत होती है? यस, जाते हैं या रूम बन जाए और बाथरूम और फिर टेबल वेबल पूरा। हम लोगों को काफी परेशानी होती थी, कभी इधर कभी उधर। 13-14 साल विद्यालय का होगा, कभी हम लोग को जमीन नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन पहले हम लोग को एक ग्रामीण चाची जो है वो जमीन हम लोग को दिया विद्यालय बनाने के लिए। उम्र के आखिरी पड़ाव में बुजुर्ग महिला का अपने गांव के बच्चों को तालीम का एक निश्चित ठिकाना देने के लिए की गई ये कोशिश सचमुच काबिले तारीफ के साथ एक मिसाल भी है। महिला दिवस से पहले इस गांव की बुजुर्ग महिला के इस फैसले से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ईटीवी भारत के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।